हेलो फ्रेंड्स, डेली एस्ट्रो टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर मंगल कुंडली के 8th हाउस में है तो इसका क्या परिणाम प्रभाव हो सकता है। तो शुभ की स्थिति में ऐसा जातक निरोगी होगा, लंबी उम्र होगी ऐसे जातक की और सुखी जीवन व्यतीत करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उसके लिए लाभदायक होगा। पुलिस फोर्सेस में जाने के चांसेस भी हैं, वहाँ भी इसका कैरियर सक्सेसफुल होगा और कम्युनिकेशन साइड सॉर्ट ऑफ बिजनेस भी इसके लिए बढ़िया है। ये तो शुभ एक्सपेक्ट हुए। अगर हम अशुभ की बात करें तो ऐसा जातक निंदा करने वाला होगा और ये जितनी निंदा करेगा उतना इसका हानि होती जाएगी। रोग होंगे, अगर विधवा से इसे श्राप मिले तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा और ऐसा जातक की इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ये कुछ बैड एस्पेक्ट्स हैं मंगल 8th हाउस के। तो चलिए अब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जातक को क्या रेमेडीज़ करनी है? तंदूरी रोटी एक साइड से सिकी हुई कुत्ते को डालें, अगर काला कुत्ता मिले तो ज़्यादा बढ़िया है, दिन कोई भी हो सकता है। चांदी की चेन या छल्ला धारण करें, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और विधवा से कभी भी श्राप ना लें। ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे वो हर्ट होके आपको श्राप दे, तो ऐसा कोई भी गलत कार्य ना करें। और गैम्बलिंग या जुआ या सट्टा ऐसी आदतों से दूर रहें। तो मंगल की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, भगवान आपका कल्याण करें। इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं मार्स के 9th हाउस पे लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।